मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना छठवीं किस्त यहां पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तरफ से दिवाली का तोहफा 1250 रुपए आपके खाते में आ चुका है। तो कैसे चेक करेंगे यहां पर और किन किन महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना है, चैनल पर नया है तो आपके अपने चैनल डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो हम पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीएम लाडली बहना की साइट पर आ जाना है। इस साइट की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहां पर आवेदन की स्थिति पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 9 अंकों की सामग्री डालनी होगी या फिर आपको जो लाडली बहना का आवेदन क्रमांक होता है वो यहां पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहां पर आपको कैप्चर कोड डालना होगा। कैप्चर कोड डालने के बाद यहां पर ओटीपी भेजे नाव पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जब आपकी सामग्री आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहां पर उस पर ओटीपी ही जाएगी। ओटीपी डालने के बाद यहां पर ओटीपी यहां पर सबमिट करेंगे और उस पर यहां पर खोजे नाव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का आपको याद रखना है, आपको जो समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ही ओटीपी जाएगी और अदर पे ओटीपी नहीं जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और तभी आप यहाँ पर इस पे लॉगिन कर पाएंगे। तो जय आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं, आपत्ति के निराकरण की स्थिति देख सकते हैं, भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति में यहाँ पर व्यक्ति का नाम, पूरी संपूर्ण जानकारी इसमें निकल के आ जाएगी। कब यहाँ पर आवेदन किया था, कैसे इसको यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर कैटेगरी है, संपूर्ण जानकारी इसमें निकल के आ जाएगी। लेकिन अब आपको यहां पर आप भुगतान की स्थिति पे जाके आपको इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहां पर पूरा डिटेल निकल के आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं व्यक्ति का नाम, ओबीसी किस कैटेगरी से हैं और यहां पर उनका मुखिया का नाम है, पूरी डिटेल आ सकती है यहां पर। और पावती डाउनलोड भी आप यहां से कर सकते हैं। तो जैसे आप पावती पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहां पर हम भुगतान की स्थिति पे नाव पे हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमारे पास पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कब कब आपका पेमेंट हुआ है और यहाँ पर कौन से बैंक में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है आप यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, कौन से वर्ष में पेमेंट हुई, कौन से माह में आपका पेमेंट हुआ है और अभी तक आपकी कितनी पेमेंट हो चुकी है टोटल यहां पर आप देख सकते हैं। तो संपूर्ण डिटेल निकल के आ जाएगी। तो टोटल अभी तक यहां पर आपके पास 8 पेमेंट हो चुकी है, जिसमें से यहां पर 1000 रुपए का भी है, 1 रुपए की पेमेंट भी है और 2 पेमेंट आपको 1250 रुपए की आपके पास निकल के आ जाएगी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं जो 11वें नंबर का लिखा है, 11वां माह का भुगतान की स्थिति 1250, जिसमें यहां पर अकाउंट नंबर आपको मेंशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर अभी तक इन लोगों को पेमेंट आपके इनके खाते में नहीं डली है। अब आपको जब आपके खाते में पेमेंट डलेगी तब आपको यहां पर अकाउंट नंबर लिख के आ जाएगा। तो हो सकता है यहां पर सर्वर की प्रॉब्लम है। और किन किन महिलाओं को जब यहां पर आप चेक करेंगे, जब यहां पर लॉग इन करके आप चेक करेंगे तभी आपके पास यहां पर डिटेल में निकल के आएगी कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत है और आपका पैसा क्यों नहीं आया है। तो हो सकता है यहां पर बैंक में सर्वर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाडली बहना की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने किसे नहीं यहां पर इसके माध्यम से आपको लाडली बहना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा। तो डिटेल में जब आप यहां पर आवेदन की स्थिति पर जाकर आप चेक करेंगे तब ये आपको डिटेल में निकल के आएगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूरा जो डिटेल है, किस किस माह में कितना पेमेंट हुआ है, ऐसे ही यहां पर पूरी डिटेल आपको निकल दिए। जैसे यहां पर 5 माह में हमारा 1 रुपया हुआ है, उसके बाद 6 माह में यहां पर 1000 रुपये हमारे खाते में डाले गए हैं। इसी प्रकार से यहां पर यदि और कोई प्रॉब्लम है उस खाते में या लाडली बहना के उसमें है तो यहाँ पर भी डिटेल में निकल के आ जाएगा। कुछ लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पर लाडली बहना का फॉर्म भरा हुआ था उसके बाद जब उन लोगों का पैसा आ रहा तो यहाँ पर एक इस ऑप्शन इसमें यह भी आता है कि आप इसको जो लाडली बहना का लाभ प्राप्त है उसको छोड़ना चाहते हैं, उसमें भी ऑप्शन आया। क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ केवाईसी के माध्यम से जब किए तो वहाँ पर लाडली बहना की निराकरण की स्थिति वहाँ पर छोड़ नाव पर इस पर क्लिक कर दिया, इस वजह से उनका पेमेंट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी इसमें पेमेंट आएगा लेकिन इसमें कुछ समय लेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते 11वीं माह का यहाँ पर एनए करके आ रहा है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तब अभी इनके खाते में पेमेंट डल जाएगा। इस चीज़ का आपको निश्चित ध्यान देना है। तो जिन लोगों का यहां पर जो अकाउंट नंबर है और 1250 रुपए आ चुके हैं उन्हीं के खाते में यहां पर 1250 रुपए जा रहे हैं, इस चीज का आपको निश्चिंत रहना है और ध्यान देना है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल बनाए तो आपके अपने चैनल डिजिटल सुस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं और इस साइट के लिए हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जरूर उसको चेकआउट कर लेना। थैंक यू।